प्रदेश, देखिए बड़ी खबर यह है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव में शामिल होने के लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव में शामिल होने के लिए जमानत की गुहार लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। इस सियासी उठापटक के बीच ये बड़ी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है आजम खान ने, जो कि जेल में बंद है। बेटे रिहा हो चुके हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से वो जमानत की गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है आजम खान ने, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से आजम खान इस वक्त जेल में बंद है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई है। उन्होंने ये मांग की है कि उनको जानबूझकर तमाम सारे अन्य मामलों में फंसाया जा रहा है, राज्य सरकार उनको जमानत नहीं लेने देने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि उनकी जमानत हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश में अपना चुनाव में प्रचार कर सके, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन कर सके। तो ये अपना याचिका लगाई गई है आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सोमवार को सुनवाई करेगा, क्योंकि अगर बात करें तो सोमवार को इसलिए सुनवाई करेगा क्योंकि आजम खान ने इसको जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। इस पर कल सुप्रीम कोर्ट बंद है, परसों सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। तो इसके आगे के क्या रास्ते हो सकते हैं अगर लीगल एक्सपर्ट्स की माने? अविनाश, देखिए अगर बात की तो आजम खान ने अपने जिस तरीके से तमाम सारे आरोपों को ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको जानबूझ के जवाब नहीं दे रही है और किसी न किसी मुद्दे को लेकर के उनको जेल में रखा जा रहा है। अब इसके अगर बात की तो उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट और उनसे उनका पक्ष लेगी और आजम खान के वकील के तौर पर जो पेश होगा उससे आजम खान का पक्ष जानने की कोशिश करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी ओर से आदेश देगी, क्योंकि आजम खान ने यह भी कहा कि उनको अंतरिम जमानत दिया जाए, यानी कि जब तक चुनाव है चुनाव में कम से कम जमानत दी जाए, जिससे कि वो अपना प्रचार कर सके, पार्टी के लिए कैंपेन कर सके। ये भी उनकी ओर से एक पक्ष रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या आजम खान के खिलाफ जितनी भी धाराएं लगी हैं क्या वो जमानत देने योग्य है। अगर ऐसा होता है तो आजम खान को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। बिल्कुल अविनाश, आपका शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए, क्योंकि सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें अपनी जमानत के लिए एक याचिका दायर कर चुके हैं आजम खान। कल कोर्ट बंद है और सोमवार को जब सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि कोर्ट का क्या स्टैंड है। ये बेहद अहम रहेगा जानना। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। इस सियासी अपडेट के बाद रुख करते हैं विजय तिलक का। जी अवधेश,